हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी उसे माही में। आज मैं आप लोगों के साथ अपना अमेजोन हॉल शेयर करने वाली हूं। प्रोडक्ट्स बहुत सारे परचेज किए हैं मैंने जो कि हैं स्किन केयर के। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल मैंने परचेज किया है, इनका रिव्यू धीरे धीरे एक करके आपको जरूर मिलेगा। एंड जिसका रिव्यू पहले चाहिए हो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या परचेज किया है। और हाँ, इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट भी मिला है, वो भी आपको बताऊंगी। कौन सा प्रोडक्ट आपको कब परचेज करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर बताती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें परचेज़ की हैं। हेयर केयर है, मेकअप है, स्किन केयर है। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल स्टीम मास्क। ये मैंने पहले भी यूज़ किया है बहरीन में, इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है ये, तो सोचा चलो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं कोई फ़र्क है क्या। सेम ऐसी ही पैकिंग आती है, सिर्फ पैकिंग का कलर का फ़र्क है। इसमें ब्लैक कलर ऐड है, उसमें ब्लैक कलर की पैकिंग नहीं थी। उसमें सिर्फ ये जो सिंगल इसका बेस कलर है ना, लाइक बीज कलर जैसा, वैसा ही कलर है और कोई कलर उसमें ऐड नहीं है। ठीक है, प्राइस इसका है आई थिंक 399 रुपीज़। इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं चल रहा था अभी तक, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट जो है ना वो नहीं चल रहा। इसके ऊपर मुश्किल से 30-40-50 रुपये का ही डिस्काउंट मिलता है। 399 है बट ये मुझे मिला है 360 रुपीज़ में। एंड इसका रिव्यू मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है ये ट्रेसमे का मेरा हेयर मास्क। ये तो भाई बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। 600 रुपये का आता है, 300 ml इसकी क्वांटिटी आती है और ये मुझे मिला है 450 रुपीज़ में, 450 में। इसको तो मैं लास्ट 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा वाला है गाइस। अगर ये यूज़ करते हैं ना आप, तो आपको बार बार लाइक कंडीशनर और सीरम बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब फ्रिजी जो हेयर होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं इसकी हेल्प से, अगर आप इसको यूज़ करते हो। वीक में सिर्फ एक बार लगाना होता है और बाल उसके बाद स्मूथ, शाइनी, फ्रिज फ्री हो जाते हैं और बहुत अच्छी चमक आती है बालों में इसको यूज़ करके। और वो जो कर्ली कर्ली हेयर भी हो जाते हैं ना, वो भी अगर आप इसको लगाते हो, जैसे नहाने के बाद बहुत लोगों के बाल मैंने देखे हैं कर्ली कर्ली से हो जाते हैं, इसको लगाओगे तो बाल जो है वो स्ट्रेट रहेंगे। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट है ये भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, गार्नियर का रिपेयरिंग पपाया हेयर फूड। इसको आप 3 तरह से यूज़ कर सकते हो, एज अ मास्क, एज अ हेयर कंडीशनर और एज अ लाइक क्लीविंग मास्क, है ना। तो इसका प्राइस है 750 रुपये, लेकिन ये मुझे मिला है आई थिंक 600 रुपीज़ के आसपास, नहीं 545 में मिला है मुझे ये। और ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज़ किया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें जो है ना केमिकल्स नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें ली गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब वेजिटेबल से ली गई है या फ्रूट से ली गई है। तो देखते हैं, चलो यूज़ करके। इसके ऊपर लिखा है कि ये रिपेयर करता है डैमेज हेयर को। अब मुझे पता नहीं है क्या करता है क्या नहीं, इसको मैं यूज़ करके इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये लॉरियल का रिवाइटलिट क्रिस्टल, ये जेल क्रीम है। अब ये कुछ टाइम पहले लॉन्च हो चुकी थी, मैंने इसको अभी परचेज़ किया है क्योंकि मेरे साथ ना इसके साथ धोखा हो चुका है। मैंने इसका वो क्रिस्टल एसेंस भी परचेज़ किया था लोगों की बातों में आके, बट बड़ा पछतावा हुआ बाद में। तो चलो अभी इसके बारे में तो अच्छा ही सुना है क्योंकि इसमें सैल्सिलिक एसिड है, तो मेरी जो स्किन है एक्ने प्रोन है तो उसके ऊपर शायद ये काम करे। इसका प्राइस है 299 रुपीज़, बट मुझे ये 236 रुपीज़ में मिली है क्वान्टिटी। देखो आप कितनी सी है, छोटी सी क्रीम है, आई थिंक 15 ml इसकी क्वान्टिटी है। हाँ 15 ml है और ओपन करने के बाद 1 ईयर में ख़त्म करनी है। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, ओपन करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये लैक्मे का ह्यूमिक क्रीम, और इसके बारे में भी बहुत सुना है मैंने। एज अ हाइलाइटर, एज अ मॉइस्चराइजर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 299 रुपीज़ इसका प्राइस है, 254 रुपीज़ में ये मुझे मिली है। एंड देखने में ही बड़ी अच्छी है यार, पैकिंग बड़ी अच्छी है इसकी और इसकी खुशबू आती है हल्की हल्की सी, वो भी बड़ी अच्छी है। एंड हाइलाइटर का जैसे मैक का स्ट्रोब क्रीम है ना, सेम वैसा ही है। मैक की स्ट्रोब क्रीम में थोड़ी सी चमक ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है। तो ये पिंक पिंकिश शेड में है थोड़ी सी। बट अगर आप इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो, लाइक आपको फाउंडेशन, कंसीलर, फ्लांडिम का नहीं लगाना है, सिर्फ अपने चेहरे को ग्लोई ग्लोई दिखाना है, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर लगा करके अपना काम फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम ही अभी जस्ट ओपन किया है और अपने हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ। इसका रिव्यू शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, किसका रिव्यू पहले चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले हेयर केयर प्रोडक्ट्स का चाहिए, स्किन केयर का चाहिए, मेकअप का चाहिए। और इसके बाद ना एक सीरीज़ भी आने वाली है मेरे चैनल पर, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल की। कुछ वीडियो शूट हो गई हैं, कुछ आगे कर रही हूँ। इकट्ठी पहले कर लूँ कंप्लीट, उसके बाद शेयर करना स्टार्ट करूँगी। सभी ब्रांड्स जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं सबके
ट्यूटोरियल आएंगे। इसके लिए मैंने ये शॉपिंग की थी मेकअप की। ये है ब्लू हेवन का पैनकेक। आई थिंक ये 100 रुपये में आता। हाँ 100 रुपये का है आई थिंक ये। तो ये ना मुझे अभी देखो आप शेड हनी है, मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद मैं मतलब गलती किया शायद परचेज करके। ये 90 रुपये में जो मुझे मिला है, शायद 90 रुपये का या 100 रुपये का ही मिला है। चलो इसका रिव्यू देख देख लेना आप, या इसके 1 मिनट ट्यूटोरियल में देख लेना। शेड तो ठीक है, बट इसको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो फिंगर में इतना आ नहीं रहा। ये देखो आई थिंक मुझे लग रहा है ना इसका जो ब्लेंडर है ना उसको वेट करना पड़ेगा, फिर ये आएगा उसमें, क्योंकि उसमें भी बड़ा कम आ रहा था और पिगमेंटेशन वगैरह ये फेस पर दिख मतलब हाथ पर इतना दिख नहीं रहा है। तो चलो यूज़ करके देखेंगे, है ना, फिर बताएंगे आपको क्या है इसका हिसाब किताब। अभी अच्छा निकलता है, ख़राब निकलता है, पैसे वेस्ट होते हैं, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकती मैं। इनसाइड का मैं उठाने लगी थी, पहले सोचा चलो ब्लू हेवन के बारे में सारी चीज़ें दिखा दूँ आपको। ये है ब्लू हेवन का कंसीलर, ये 36 रुपये में मिला है और ये फुल कवरेज कंसीलर है। अब देखते हैं कवरेज कैसी है। 1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल मुझे करना था ब्लू हेवन का, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, कुछ चीज़ें थी जो हैं मेरे पास पहले से, तो मैंने सोचा जो नहीं है पहले उसको कंप्लीट करते हैं फिर शेयर करते हैं। और ये है इसका फाउंडेशन, टिंट फाउंडेशन। ये अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, लाइक कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। 200 रुपीज़ इसका प्राइस है, 180 रुपीज़ में मुझे ये मिला है, सॉरी 350 रुपीज़ इसका प्राइस है। और ये मुझे मिला है, एक मिनट में आपको बताती हूँ, आई थिंक ये मुझे मिला है 325 या 320 के आसपास। एंड ये मतलब आपके सामने हो, इसकी बॉटल ओपन कर रही हूँ मैं। आप देखो कांच की बॉटल है, पैकिंग इसकी ठीक ठाक है, अच्छी है, बट ये इसकी कवरेज मुझे कुछ खास नहीं लग रही, बिकॉज आप देखो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ब्लेंड हो रहा था अच्छे से, ठीक है, बट स्किन पर मेरी थोड़ा सा ना ये मुझे वाइट और थोड़ा येलो अंडर टोन में ज़्यादा लग रहा था। अब बाकी फेस पर यूज़ करके पता लगेगा कैसा है, देख लेना 1 मिनट मेकअप ट्यूटोरियल में। तो कवरेज आप देख रहे हो वाइट वाइट सा लग रहा है, एक तो येलो येलो सा लग रहा है, और कवरेज भी कुछ खास नहीं लग रही है। पता नहीं यार क्या है। एनीवेज चलो देखेंगे यूज़ करने के बाद में बताऊंगी आपको कैसा है। नेक्स्ट है इसका ये कंसीलर, एंड ये 400 रुपीज़ का है। इसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला मुझे, आई थिंक इसके ऊपर 20-25% का डिस्काउंट मिला था मुझे। और ये मैंने पर्पल से परचेज करने का पहले सोचा था कि शायद वहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट मिले, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी 40% दिखाता है, बट फिर जैसे ही परचेज करने जाती हूँ वो फिर 20-25, मतलब एक दो दिन लेट हो जाओ 20-25% आया था। फिर मैंने इसको लास्ट में अमेजोन से ही परचेज किया। एंड ये इसका पैकिंग है इसकी, देखो आप इसको प्रेस करना होता है, ये जो मैं फिंगर से प्रेस कर रही हूँ, इस पे लिखा था 3 से 5 से 6 बार ब्रश कीजिए कंसीलर इसमें आ जाएगा बाहर ब्रश में, बट नहीं, इसको मैंने कम से कम 20-25 बार प्रेस किया है तो कंसीलर बाहर आया है इसमें से। तो कंसीलर का शेड मुझे ठीक लगा और ये ब्लेंड भी हो रहा था अच्छे से, और ये इसकी कवरेज भी अच्छी है, और एप्लीकेटर भी इसका काफ़ी कमाल का है, अच्छा है। आप देखते हैं कब तक ये एप्लीकेटर चलता है, कब तक ये इसका प्रेस बटन जो है वो चलता है, यूज़ करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ब्लेंड भी अच्छे से हो रहा था, कवरेज भी अच्छी है। अब मेकअप जब डेली इसको यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा निकलता है, बट कंसीलर मुझे अच्छा लगा इसका, सच कहूँ अगर कंपेयर करूँ ना इसके फाउंडेशन से और इसका वो जो मैंने पैनकेक लिया है उससे, तो भाई ये थोड़ा सा कंसीलर उसके मुकाबले, बट महंगा भी तो है। देखो 400 का कंसीलर, मेबलिन का कंसीलर भी इससे सस्ता आता है यार। एनीवेज लिया है तो अब इस्तेमाल तो करेंगे। चलो पहले मैं सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी उनको साइड में कर देती हूँ, फिर जो बची हुई है मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं यार एक जगह पर, और शॉपिंग मैंने बहुत सारी की है। अब आईलाइनर भी परचेज किया है, मेरे पास आईलाइनर नहीं था, तो ये आईलाइनर जो है 60 रुपीज़ का है, 55 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। इसमें 4 शेड आते हैं, मैंने 2 परचेज किए थे, एक मैंने परचेज किया था ब्राउन, दूसरा मैंने ब्लैक। अब देखो अमेजोन ने क्या किया है, मुझे दोनों ही ब्लैक कलर सेंड कर दिए हैं। पिगमेंटेशन देखो कितना अच्छा है इसका, ठीक है, और ये लिखा है वाटर प्रूफ है। 60 रुपये में, 50 रुपये में आपको कौन सा आईलाइनर वाटर प्रूफ मिलेगा, यही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मैंने इसको लगाया अपने हाथ पर, फिर ड्राई किया, फिर मैंने जाके पानी डाल के देखा तो ये निकल गया। चलो कोई नहीं। अब ये है गार्नियर की विटामिन सी बीबी क्रीम, ये 199 रुपीज़ की आती है, ये मुझे मिली है 170 रुपीज़ में।
इसको भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। गार्नियर की मैंने यूज़ किया, बहुत टाइम पहले यूज़ किया है, तो सी सी विटामिन सी के साथ नहीं पहले आती थी, अभी आई है ये। चलो देखेंगे कैसी निकलती है। ओके, ये है इनसाइट की कंसीलर पैलेट। ठीक है, ये मैंने किस लिए परचेज की है, मेरे पास कोई भी कलर करेक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है। इतने सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अभी ट्राई करके देखते हैं। ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, मतलब सब कुछ एक ही पैलेट में आपको मिलता है, तो कलर करेक्टर भी हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा, कलर करेक्शन का भी, और कंसीलिंग भी हो जाएगी, है ना, कंट्रोल भी हो जाएगा, इसमें सब कुछ है। तो देखेंगे भाई, आई ये 199 रुपीज़ का है आई गेस, और ये 199 का ही मिला, इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिला है। नेक्स्ट मैंने ये स्विस ब्यूटी की परचेज की है आईब्रो पेंसिल, और ये मेरे ख्याल से 50-60 रुपए की आती है। जी हाँ, और ये मेरे पास पहले भी है, वो ख़त्म होने को आई है, तो मैंने कहा चलो परचेज कर लेते हैं। एंड उसके बाद से मैंने इसके अलावा ना ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल भी परचेज की है, ये 299 रुपीज़ की है, बट ये 185 रुपीज़ में मिली है। और जब ये आई मेरे पास तो इतनी छोटू सी थी ना, मैंने कहा यार ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ, मुझे लगा ये कलर आइकन वाली आईब्रो पेंसिल है, मुझे लगा थोड़ी लंबी होगी, बट ये तो एकदम छोटू सी निकली है, जैसे मिनी वर्जन होता है ना, जैसे मैक का मिनी काजल आता है, वैसे ये छोटू सी है एकदम। पिगमेंटेशन ठीक है इसका, एक साइड पे स्पूली है, एक साइड पे लाइक पेंसिल है, तो ये देखो ब्राउन कलर की परचेज की है मैंने, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है इसका। अब मेकअप करेंगे तो पता लगेगा क्या निकलता है इसका। स्पूली भी अच्छी है, अच्छे से मिक्स करती है, आईब्रो पर यूज़ करके देखा मैंने बाद में। ठीक है, इसके अलावा मैंने स्विस ब्यूटी का ये वाला फाउंडेशन परचेज किया है, फुल कवरेज फाउंडेशन। स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन नहीं था मेरे पास, कंसीलर था, लिपस्टिक थी, मतलब सब कुछ था, सिर्फ यही नहीं था। तो मैंने कहा चलो अभी ये भी ले लेते हैं, अब इसको भी क्यों छोड़ना है। ये है 399 रुपीज़ का, बट ये 319 रुपीज़ का, मतलब 320 समझ लो यार, 320 में मिला है। और ये फाउंडेशन मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया है, ये फुल कवरेज है, बॉटल बड़ी बड़ी है इसकी, मेरे को लगा नहीं था इतनी बड़ी होगी, लेकिन बहुत बड़ी निकली। और ये फाउंडेशन ठीक है यार, इसकी कवरेज अच्छी है, अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे ना ब्यूटी ब्लेंडर से तो कवरेज इसकी अच्छी है। ये तो मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ और आईलाइनर के ऊपर कर रही हूँ, तो आपको इस तरीके से लग रहा है, बट मैंने इसको बाद में अपने फेस पर लगा के देखा तो ठीक ठाक है। बाकी इसकी जो वन ब्रांड टोटल रहेगा उसमें देख लेना आप लोग। ये है ब्लू हेवन की लिपस्टिक, ये 100 रुपये की आती है और ये मुझे 90 रुपये में मिली है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करके देखेंगे। इसमें मैंने दो लिपस्टिक ली हैं, एक है ये पिंक कलर की और दूसरी मैंने ली है रूबी रेड करके, शेड है आई थिंक वो, मैं दिखाती हूँ आपको शेड यहाँ पर, ये देखिए ये शेड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, रेड एंड मेरून जैसे रूबी वो का शेड है, उससे सेम तो नहीं मिल सकती यार, वो इतनी महंगी आती है, ये 100 रुपये में आपको कहाँ से सेम शेड मिलेगा, बट हाँ उसके आसपास का शेड है। देखो सभी तो मैक का नहीं परचेज कर सकते ना। और उसके बाद मैंने ये एलेगेंट की दो लिक्विड लिपस्टिक ली हैं, ये 120 रुपीज़ की आती हैं, और इसमें और भी शेड्स आते हैं, मैंने दो ही परचेज किए, मेरे को था पता नहीं कैसी निकलेंगी यार, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक इतनी सस्ती मैंने आज तक परचेज की है, सब की सब लिप्स को ड्राई कर देती हैं, बहुत कम है उसमें से जो लिप्स को मतलब ठीक ठाक रखें, ड्राई ना करें। तो इसके लिए पहले जब मुझे कोई चीज़ ट्राई करनी होती है, मैं एक या दो ही पीस परचेज़ करती हूँ, ताकि इकट्ठा परचेज़ कर लूँ फिर पछतावा सा हो, पैसे लगा के फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो चलो ये वाला परचेज़ किया था मैंने, इसका शेड तो दोनों के अच्छे हैं, अभी इनको यूज़ करके देखूंगी कितना टाइम स्टे करते हैं। मुझे शेड या लिपस्टिक का जो पिगमेंटेशन है वो भी अच्छा लगा, शेड भी अच्छा लगा, और अच्छी है अकॉर्डिंग टू प्राइस, अच्छी है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लाइट वेटेड है लिपस्टिक, मतलब हैवी नहीं है, थिक नहीं है, टेक्चर एकदम लाइट है, बट अब स्टे कितनी देर करती है वो अब इसको लगा के देखने के बाद में पता चलेगा। तो दो ही परचेज़ की थी, दोनों के शेड मुझे अच्छे लगे हैं, आपको कौन सा शेड अच्छा लगा है आप बताना, ठीक है, हाथों में जो मैंने लगाया है। चलो इसके अलावा मैंने ये लैक्मे का लिप क्रियोन भी परचेज़ किया है, ये ब्राउन कलर का है, सिनामॉन ब्राउन करके शेड है, ये ख़त्म हो गया था मेरा, इसके लिए मैंने इसको परचेज़ किया और ये 200 रुपये के आसपास आया है। नेक्स्ट है ये मार्स का लिप क्रियोन, और ये 218 रुपये का आया है, इसका शेड हाथ पर कितना प्यारा लग रहा है, और बाद में मैंने लिप्स के ऊपर लगा के देखा, वो मुझे इतना पैची पैची, इतना गंदा लग रहा था, पता नहीं क्यों,
दोबारा किसी दिन लगा के देखूंगी, फर्स्ट टाइम तो बड़ा गंदा लगा। अच्छा फिर मैंने इस टाइप की ये वाली 3 लिपस्टिक भी परचेज़ की हैं, 07, 08 और 15 नंबर। इसकी एक दो लिपस्टिक मेरे पास पहले भी हैं, तो ये मैंने पहले ट्राई की हुई हैं, अच्छी हैं, इसके लिए मैंने और परचेज़ की हैं। नेक्स्ट है ये मामा अर्थ के लिप सीरम लिक्विड लिपस्टिक, इसमें 2 ही शेड परचेज़ किए हैं मैंने ट्राई करने के लिए, अच्छी निकलेंगी तो और शेड परचेज़ करूँगी। ये मजेंटा करके कुछ शेड था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है शेड, और मैंने ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई करूँगी, उसके बाद से बताऊँगी आपको कैसी आई हैं, कैसी निकली हैं ये लिपस्टिक। ये दूसरी जो है ये रोज़ी न्यूड करके शेड है इसका, हाँ रोज़ी न्यूड, ये भी शेड मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ ये हॉल ख़त्म होता है, आगे और हॉल आने वाले हैं, तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा रिव्यू भी इसका चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।